आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के तत्वधान से युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव की मौजूदगी में युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा संगठनात्मक समीक्षा एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय बैठक समारोह का हुआ आयोजन। वहीं प्रदेश से आए हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव को कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं अंगवस्त्र से भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ये बैठक पार्टी को मजबूत करने एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की बैठक है। वहीं इस बैठक का संचालन कर रहे युवा जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने पार्टी की मजबूती के लिए चंपारण के सभी प्रखंडों से आए हुए प्रखंड अध्यक्षों कार्यकर्ताओं की मंच के माध्यम से बोलने एवं अपनी बात रखने का मौका दिया। वहीं एमएलसी प्रतिनिधि नौतन सह राष्ट्रीय जनता दल पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष साहेब हुसैन अंसारी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम करने की बात कही एवं केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बेझिझक लड़ने की बात कही। मौके पर युवा राजद नेता इरशाद आलम, युवा जिला प्रवक्ता संजय यादव, सादिक खान, मनोज यादव, आलोक कुमार इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।